वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर सेफ एंड वेल। सो आज का वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम वीडियो बनाना चाहते हैं और जैसे शॉर्ट वीडियो होते हैं वो बनाना चाहते हैं, बट उनके पास कोई भी सेटअप नहीं है। स्पेशली फॉर यूट्यूबर्स जो अभी बिगनर्स हैं, नए नए आए हैं या आना चाहते हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इन्वेस्ट कर सकें रिंग लाइट में, बैकग्राउंड में। तो मैं लेके आई हूँ, अगर आपके पास 1000 रुपये तक है तो भी आप अपना अच्छा सा सेटअप बना सकते हैं, अगर नहीं भी है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब वीडियो जब बनाने शुरू किए थे तो मेरे पास बैकग्राउंड के लिए भी इतना मनी नहीं था कि मैं इन्वेस्ट कर सकूँ। मतलब मनी था बट मैं मतलब उतना कंसल्ट नहीं करवा रही थी कि मैं पापा से लूँ और उसको इन्वेस्ट करूँ। सो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो आप बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, मतलब जो घर में चीज़ें हैं उनको ही यूज़ करके आप सेटअप बना सकते हैं। सो वीडियो में बढ़ने पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसके अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। यूट्यूब बनाने के लिए आपको एक अच्छी लाइट की ज़रूरत होती है, मतलब जो फेस पे पड़े ताकि सामने वाला बंदा आपको देख सके। तो अगर आपके पास रिंग लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई विंडो के सामने बैठ सकते हो, और ध्यान रखिएगा कि विंडो आपके सामने हो, मतलब जैसे खिड़की है उसके सामने आपको बैठ के वीडियो बनानी है, तो आपका जो फोकस है वो आप पर पड़ना चाहिए, मतलब विंडो के सामने। ओके, और पीछे साइड आपका अंधेरा होना चाहिए। और अगर आपका घर में कोई विंडो नहीं है या फिर विंडो पे नहीं बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो इस तरह का बॉक्स जो कि मैंने शुरू में बनाया था, ऐसे कार्डबोर्ड जो जूते का या फिर कोई भी बॉक्स होता है उसको काट के आप ऐसे टेप लगा के उसमें वाइट कलर का कपड़ा जो होता है, बटर पेपर या वाइट कलर का ऐसा कपड़ा आता है वो लगा सकते हो। एंड इसमें मैंने ये लगाया था बल्ब, इसको ऐसे डाल सकते हो तो ये थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट देगा। तो आप ऐसे बना सकते हो या फिर DIY रिंग लाइट बना सकते हो। वैसे ये आपको जस्ट 100 रुपये के आसपास ये क्रिएट हो जाएगा, और रिंग लाइट भी आपकी जो घर में बनाओगे वो भी ऐसे ही कुछ क्रिएट हो जाएगी। वो तो मैंने नहीं बनाई थी, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रही थी तो मैंने ये बनाया था, लेकिन ये भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा था लाइट के लिए। तो और वॉइस के लिए अगर आप ऐसे माइक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप जो लीड होती है हेडफोन वगैरह उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो वॉइस होती है वो थोड़ा सही से नहीं आती है। तो आप कोशिश करिएगा कि आपकी आवाज़ साफ पहुँचे लोगों तक, तो आप इस तरह का माइक खरीद सकते हैं। तो इसका प्राइस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जो भी होगा। और अगर आप 1000 या 1500 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं या 500 तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप रिंग लाइट खरीद सकते हैं। रिंग लाइट आपको बहुत सारी मिल जाएंगी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। तो मैंने जो परचेज की थी वो थी ये रिंग लाइट जो कि मैंने परचेज की थी अमेजोन से 1149 रुपीज़ की शायद। अब इसका जो प्राइस चल रहा होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि इसका रिव्यू चाहिए उन्हें, कोई फूड करके चैनल है उनका, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कौन सा चैनल है। तो उन्होंने कमेंट किया था तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊंगी। ओके, तो मुझे ये इस तरह के बैग में रिसीव हुई थी, इसके अंदर रिंग लाइट जो अभी है तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो रिंग लाइट की तरफ पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर रिंग लाइट भी आप परचेज नहीं करना चाहते और खिड़की के सामने बैठ के, मतलब विंडो के सामने बैठ के वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा ट्राइपॉड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये ट्राइपॉड मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, आप दूसरा खरीदेगा, क्योंकि मुझे 300 समथिंग का मिला था फ्लिपकार्ट पे, बट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेकार टाइप का है। तो आप इंस्टेड ऑफ ट्राइपॉड में इन्वेस्ट करने से अच्छा, अगर आप ट्राइपॉड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अगर ट्राइपॉड में इन्वेस्ट करने से अच्छा आप रिंग लाइट में इन्वेस्ट करीजिए, 500 के अराउंड मिलती है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सो इसको हटाते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिंग लाइट की। तो जो रिंग लाइट मैंने परचेस की थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वो रिंग लाइट मुझे इस तरह की मिली थी, मैं आपको पैक करके दिखाती हूँ। तो मुझे इस तरह की रिंग लाइट कुछ रिसीव हुई थी, इसमें आपको इस तरह का फ़ोन अटैच करने के लिए मिल जाएगा इक्विपमेंट, जो आप लैंडस्केप मोड पे नॉर्मल यूट्यूब वीडियो होते हैं वो यहाँ पे ऐसे अटैच करके फ़ोन को चला सकते हैं लाइक यहाँ पे, और या फिर आप ऐसे करके फ़ोन को रील्स होते हैं या यूट्यूब शॉर्ट होते हैं वो इस तरह के फॉर्म में बनते हैं, मतलब 4:16 ऐसे रेशियो में शायद बनते हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हो या फिर आप लैंडस्केप मोड पे करके यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो बना सकते हो। तो इसको अटैच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे, लाइक ये ऐसे हो जाता है, इन दोनों को ऐसे पकड़ के इसमें फ़ोन ऐसे अटैच कर देंगे। देन उसके बाद ये आपको वायर अटैच मिलेगा, और ये मैं थोड़ा टूट गया था इसीलिए यहाँ पर फेविक्विक लगाया था, तो इसीलिए तार ये उसमें चिपक गया था। ओके, सो ये तार वायर आपको मिलेगी अटैच, और ये आपको चार्जर एक जो फ़ोन का होता है वो आपको लेना पड़ेगा,
और उसमें इसको लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद आप इसे चालू बंद करके वो कर सकते हो। ओके सो नेक्स्ट मैं आपको पूरी वो बताती हूँ कैसे होगा। इसको बंद कर दिया तो मैं इसको चालू करती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको चलाने का पूरा एक वो इक्विपमेंट मिलेगा। तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है, यहाँ से इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम होती है, आप देख सकते हैं, और यहाँ से ये ज़्यादा होती है प्लस करने पर, इतनी है। और तीन तरह की आपको कलर मिलेंगे, एक ये और ये वाला, ठीक है, वार्म मोड या जो भी हो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। सो मैं आपको फ्रंट करके इसकी लाइट दिखाती हूँ। इसकी मेजरमेंट आपको 26 सेंटीमीटर की मिलेगी, और ये इसकी में जो तीन लाइट है वो ये एक वार्म टाइप में है और एक कूल अंडरटोन में है और एक ऐसे नॉर्मल है। तो मैं जो वीडियो शूट करती हूँ वो इस वाले मोड में शूट करती हूँ, परफेक्ट लगता है। और रिंग फिल लाइट है, नाइट कोर एक्सट्रीम है जो इसमें लिखा हुआ है। सो अगर आप तो आप परचेस करना चाहें तो परचेस कर सकते हैं, ये आपको बजट में मिल जाएगी। बस थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होती है जब मैं इसको लगाती हूँ, अटैच करती हूँ, तब ये थोड़ा सा झुकने लगता है, मतलब वहाँ पे थोड़ा ढीला पड़ता है। बाकी सब कुछ परफेक्ट है, लाइट परफेक्ट है। आप 1,000 में और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे एक रिंग लाइट से। तो अगर आप परचेस करना चाहें तो आप परचेस कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बैकग्राउंड के लिए मैंने इस तरह का, वैसे तो मैं कर्टन यूज़ करती थी बट मैंने बाद में सोचा कि थोड़ा सा शाइनी बैकग्राउंड होना चाहिए। आप कर्टन यूज़ कर सकते हैं या फिर जो घर में कपड़ा होता है, साड़ी वगैरह, या ब्यूटीफुल पर्दे होते हैं, दुपट्टे होते हैं अलग अलग कलर के, मल्टी कलर के, वो यूज़ कर सकते हैं जो अच्छा लगे बैकग्राउंड में। या फिर आप लाइट्स लगा सकते हैं, मैंने अपनी कुछ वीडियो में ब्लैक कपड़े पर लाइट्स लगाई है, वो भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस तरह का मैंने कपड़ा 110 रुपये का, इतना बड़ा 1 मीटर मिल गया था। तो ये मुझे परफेक्ट लगता है कि मतलब बहुत ही सस्ते में बैकग्राउंड लग गया है, या फिर आप वॉलपेपर ले सकते हैं वो लगा सकते हैं। अगर आपके ऐसे वीडियो पसंद हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको जो भी चाहिए वो आप नीचे कमेंट करें, मैं अगला वीडियो उसी पर बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।